गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे वर्ब्स। वर्ब्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्ब्स सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में स्टडी करने वाले हैं हम लोग। सिंगुलर वर्ब कब यूज होता है, प्लूरल वर्ब कब यूज होता है, तो सेंटेंस कैसे बनता है आप लोग जानते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलते हैं जब, तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब को रखते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ रूल्स आपको बनाए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, लिखना होता है और बोलना होता है। तो चलिए देख लेते हैं वो रूल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट रूल क्या है, इफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में क्या है, सिंगुलर है, द वर्ब शुड आल्सो बी सिंगुलर। तो हमारा वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। एग्जाम्पल, द डॉग लिव्स इन द पार्क। डॉग लिव्स इन द पार्क, तो हमारा देखते हैं कि डॉग क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर कब करते हैं, नंबर साथ में होने पर, जब एक व्यक्ति की बात होती है तो सिंगुलर होता है। एक से अधिक व्यक्ति की चीज़ों के बारे में या किसी भी नाउन के बारे में बात होती है तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पर एक डॉग के बारे में बात की जा रही है, डॉग लिव्स इन द पार्क। यहाँ पे ये क्या हो गया, लीव समाना क्या हो जाता है, सिंगुलर होता है। लीव मीन्स क्या होता है, ठीक है, लीव में लीव मीन्स रहना। और ये क्या है, सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब सिंगुलर वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हम क्या करते हैं, उसमें एस ऐड करते हैं। तो ये लीव में एस ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। ओके, अब आते हैं सेकंड में। इफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज प्लूरल, द वर्ब शुड आल्सो बी प्लूरल। अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। सब्जेक्ट एंड वर्ब की एग्रीमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इन दोनों की एग्रीमेंट नहीं है तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पे द डॉग्स क्या हो गया, डॉग्स प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ लीव सिंगुलर और प्लूरल वर्ब हो गया। लीव क्या है, प्लूरल फॉर्म है, और लीव्स क्या है, सिंगुलर फॉर्म है वर्ब। ओके, यू, यू क्या है, एक प्रोनाउन है, आपको पता है, ही शी इट दे इट यू, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। और यू के साथ जो वर्ब होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। यू ऑलवेज प्लूरल फॉर्म, यू कहीं पे भी आए उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म में लगाते हैं। यू आर इंटेलिजेंट, आर हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब आर प्लूरल होता है, उनके साथ आर यूज होता है। ओके, इस तरह से हमने थ्री रूल्स समझे सिंगुलर एंड प्लूरल्स के लिए, प्लूरल्स को समझ बनाने के लिए, कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यू अब कहीं पर है तो वहाँ पे हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ और रूल्स के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इसको स्टडी करिए और